भाजपा की जनाशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 सितंबर की रात्रि में खंडवा आएंगे। बुधवार रात करीब 11 बजे जनाशीर्वाद यात्रा लेकर मुख्यमंत्री खंडवा आएंगे। रात्रि में ही मुख्यमंत्री द्वारा शहर में अलग अलग जगहों पर रथ सभा ली जाएगी। मुख्यमंत्री जय अम्बे चौक, जलेबी चौक, मेडिकल चौराहे, नगर निगम तिराहे और केवलराम चौराहे पर आमजन को रथ सभा के माध्यम से संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 6 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री जनपद तिराहे पर बने बगीचे में पंडित उपाध्याय की करीब 6 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 6 सितंबर को नागचूम में अटल सरोवर पार्क का लोकार्पण भी कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा यहां भी लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा NHDC के सहयोग से आधुनिक गार्डन तैयार कराया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जावर पहुंचेंगे, जहां 500 करोड़ की लागत से बनने वाली जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने के बाद विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने MP न्यूज नेटवर्क से विशेष चर्चा करते हुए खंडवा जावर सहित विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने और सभा में भारी तादाद में पहुंचने की अपील की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में पधार रहे हैं। निश्चित ही हमने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी से हमने हमारे क्षेत्र की 2 प्रमुख मांग करी थी, जिसमें पहला था कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र सिंचित हो और दूसरा था हमारे खंडवा शहर में मेडिकल कॉलेज हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमारी ये दोनों मांग पूर्ण है और इन दोनों परियोजनाओं का, जहाँ एक और मेडिकल कॉलेज का वो लोकार्पण करने आ रहे हैं, वहीं दूसरा हमारे खंडवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। जो परियोजना हमारे ग्रामीण के लगभग 52 गांव जिससे सिंचित होंगे और लगभग 65,000 एकड़ जमीन जिससे सिंचित होगी, आने वाले समय में हमारे पूरे खंडवा ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी, ये महत्वपूर्ण योजनाएँ लेकर आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैं सभी हमारे शहरवासियों से, सभी हमारे ग्रामीण जनता से अपील करता हूं कि वो भारी से भारी संख्या में पधार कर ये दोनों कार्यक्रमों को भव्य बनाए, सफल बनाए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की जो अच्छी अच्छी योजना है जिनके परिणाम स्वरूप आज हमारा मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, गरीब के जीवन में खुशहाली आई है, इस योजनाओं के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति आज हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है, जन जन मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है और निश्चित रूप से ऐसे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश का वर्षों वर्षों तक नेतृत्व करते रहें, हमारा मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। MP न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर खंडवा पहुंच रहे प्रदेश के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का खंडवा विधानसभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चलो जावर, घर घर में खुशहाली छाएगी, निमाड़ में नर्मदा आएगी। 500 करोड़ की लागत से बनने वाली जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमि पूजन एवं विशाल आम सभा में भारी मात्रा में पहुँच कर आयोजन को सफल बनाए। निवेदक विधायक देवेंद्र वर्मा, मित्र मंडल, खंडवा।